हेलो एंड वेलकम बैक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मोस्ट स्टडीज डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वॉज लेस दैन टू परसेंट कपल्ड विद अ मेग हाफ परसेंट ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है बोल रहा है कॉलोनियल पीरियड के समय में ना बहुत सारी स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि इंडिया का जो ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट हुआ करता था ट्वेंटी सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ट्वेंटी सेंचुरी का मतलब क्या होता है नाइन्टीन हंड्रेड एंड समथिंग तो नाइनटीन हंड्रेड के स्टार्टिंग में जो था वो टू परसेंट से कम था और जो ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट होना चाहिए पर साल का वो हाफ परसेंट हुआ करता था ठीक है तो ये सही बात है द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल in two visits inclines me to believe that it is richer than egypt it exports in abundance cottons and silks rice and sugar and butter it produces amply for its own consumption wheat vegetables grains fowls ducks and geese it has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats fish of every kind it has in profusion From Rajmahal to the sea is an endless number of canals cut in bygone ages from the Ganges by immense labor for navigation and irrigation. तो बहुत कितना मतलब कितना अच्छे से तारीफ किया था ये पूरा बंगाल का कि मतलब इंडिया का ये तारीफ किया था तो ये कौन किया था ये किया था फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर था जिसका नाम था क्या बर्नीयर वो बंगाल आया था और बंगाल विजिट में ये सब चीज़ देखा कि जो बंगाल है ना वो इजिप्ट से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर है वो अपना कॉटन सिल्क राइस शुगर बटर ये सब एक्सपोर्ट करता है भारत और अपने कंजम्पशन के लिए वीट वेजिटेबल्स ग्रेन्स फाउल्स डक्स गीज ये सब कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस करता है और इसके पास बहुत सारे पिग्स हैं फ्लॉग्स हैं शीप्स हैं गोट्स हैं और फिश है बहुत सारे काइंड्स का ठीक है राजमहल से लेकर के सी में जाने पे बहुत सारे कैनाल्स दिखते हैं बाइगॉन एजेस दिखते हैं गांजेस पे इमेंस लेबर फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन तो बहुत भर भर के तारीफ किया था किसने किया था ये फ़्रेंच ट्रेवलर बर्नियर ने किया था इंडिया वॉज एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस इन दैवनटीन 17th सेंचुरी बट वेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया देर वॉज एग्रीकल्चरल स्टैगनेशन तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले <coughs> ब्रिटिशर्स तो अराउंड सोलह सिक्सटीन हंड्रेड में आया था ना तो मतलब सेवनटीन सेंचुरी के पहले मतलब सिक्सटीन हंड्रेड से पहले ये बताया जाता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हुआ करता था लेकिन ब्रिटिश जब छोड़ करके गए तो एग्रीकल्चर में स्टैगनेशन आ गया तो ये सही बात है वॉट वॉज द रीज़न फॉर स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कारण था जिसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैगनेशन आया वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाई द कोलोनियल गवर्नमेंट सो कोलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत तरह के अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था ठीक है रेटवारी सिस्टम ठीक है ज़मींदारी सिस्टम ब्लाबला इस तरह के बहुत तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम को कॉलोनियल गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया था जिसके कारण ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर है ना वो स्टैगनेंट हो गया अंडर द ज़मींदारी सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दैन बंगाल प्रेसिडेंसी हुड द प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी सिस्टम था ना वहाँ पे बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो कौन ले जाता था ऑफ कोर्स ज़मींदार्स लेके जाएगा हु वेयर जमींदार्स जमींदार्स कौन हुआ करता था ज़मींदार्स अपर कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स हुआ करता था हु वेयर कल्टिवेटर्स मतलब कल्टिवेटर्स कौन हुआ करते थे मतलब जो आ, मतलब कल्टिवेट करते थे किसान वगैरह तो वैश्या हुआ करता था बैकवर्ड कास्ट हिंदूज़ जो आज कर, के ओ हैं और दलित्स मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं तो ये सब कल्टिवेटर्स हुआ करते थे वेर एस सी एस टी ओ बी सीज ऑफ़ टूडे इंक्लूडेड इन जमींदार्स कैटेगरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो अभी का एस सी एस टी ओ बी सी है क्या इसको ज़मींदारी कैटेगरी में डाला गया था और प्रॉफिट शेयर दिया जाता था नो no, नहीं दिया जाता था. Yeah. वट वॉज मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट क्या हुआ करता था जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट हुआ करता था वनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स जमींदार्स का बस एक ही इंटरेस्ट हुआ करता था कि किसी तरह से बस रेंट कलेक्ट करो और चाहे कल्टिवेटर्स का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो फर्क नहीं पड़ता हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखा था यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था ये राजेंद्र प्रसाद कनेक्शन राजेंद्र प्रसाद के था मतलब प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट असेंबली थे ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा डिवाइडेड बैठेगा एक मतलब एक सेक्शन अलग डिवाइडेड है फिर एक डिवाइडेड है फिर अलग देखते हैं ना लोकसभा में किस तरह से रहते हैं सेगमेंट्स बना रहता है डिवाइडेड सेगमेंट्स बना रहता है तो इंडिया डिवाइडेड बस ये कनेक्शन याद रख लो क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं ना बिना कनेक्शन के याद नहीं रहेगा तो इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड याद करो लोकसभा का पिक्चर मतलब सेगमेंट्स में लोग डिवाइडेड हैं तो कौन किया था वहाँ प्रेसिडेंट कौन था उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का राजेंद्र प्रसाद तो राजेंद्र प्रसाद ने यह बुक लिखा है इंडिया डिवाइडेड ओके okay. दैन ये चलिए कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मोस्ट स्टडीज फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ़ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वाज लेस देन टू परसेंट कपल्ड विथ अ मियेगर हाफ परसेंट ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ट्रू एफ ऑल्स ट्रू The knowledge I have acquired of Bengal and two visits inclines me to believe that it is it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silks, rice and sugar and butter. It produces amply for its own consumption wheat, vegetables, grains, fowls, ducks, and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind it has in profusion from Rajmahal to the sea. It is an endless number of canals cut in bygone ages from the Ganges of by immense labor for navigation and irrigation. Kisne Babulataya, French traveller. Bernier. India was agriculturally prosperous in the seventeenth century, but when British left, there was agricultural stagnation. True or false? True what was the reason for the stagnation in agricultural sector various systems of land settlement introduced by the colonial government under the zamindari system which was implemented in the, the then bengal presidency who accrued the profit of agricultural sector zamindars who were zamindars upper caste hindus and muslims who were the cultivators Vashyas, backward class hindus caste hindus and dalits who were sc were scst obcs of today included in zamindars category and profit sharing of agricultural sector no uh, what was the main interest of Zamindars? Only to collect rate uh, regardless of the economic condition of the cultivators. Who wrote the book India Divided? Rajendra Prasad. See Bye.